सुने जी। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं। खैरियत तो है? बस जी, क्या बताऊँ, लगता है अंदर मेरी बेटी और दामाद का झगड़ा हो रहा है। झगड़ा? पर वो क्यों? वो मेरा दामाद है ना, वो गुस्से में कभी मेरी बेटी को बोलता है सास को बाहर निकाल दो, कभी बोलता है सास को अंदर कर दो। बड़ा ही बदतमीज लड़का है। मेरा तो इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई सहारा नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर खराब हो, इसलिए वो जैसा कहता है मैं वैसा ही करती हूँ। मैं तो डरती हूँ अगर उसने मुझे सच में घर से बाहर निकाल दिया तो मैं किधर जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, इस उम्र में आपको बाहर कैसे निकाल सकता है? ये जो आजकल के लड़कियां ना, इनको बड़ों की इज्जत करना आते ही नहीं है, बड़ों से कैसे बात की जाती है इनको पता ही नहीं है। आप यहीं पर रुकें, मैं खुद इससे बात करके आता हूँ। क्या आप? नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो उसको और गुस्सा आ जाएगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं सह लूंगी। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ना कोई जरूरत नहीं, मैं खुद इससे बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दे। आप छोड़े मुझे। नहीं छोड़े, पीछे हटे, मैं कह रहा हूँ मैं इससे बात करता हूँ। छोड़े, किधर है तू बेशरम इंसान, अपनी सास को घर से बाहर निकालेगा है? किधर तू? सांस को अंदर करो, सांस को बाहर निकालो, सांस को अंदर करो, सांस को बाहर निकालो। ना करें बात। ओ बुढ़िये, दो चार जमातें पढ़ ली होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। वो कह रहा है सांस को अंदर करो, सांस को बाहर निकालो, सांस को नहीं। उधर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इधर बुढ़ी चली हो गई है। हाँ।